तो सीमा पार कर प्यार की कहानी सुनाकर भारत आई सीमा हैदर का जब सच से सामना होगा, लाइट डिटेक्टर टेस्ट होगा, तो क्या कुछ सामने आएगा वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक नजर देख लीजिए 20 बड़ी खबरें। और 20 बड़ी खबरों पर बात करें उससे पहले जरा आपको एक बड़ी खबर बता दें इस वक्त की, सीमा हैदर से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमा हैदर को लेकर यूपी एटीएस निकली है, थोड़ी देर पहले एटीएस सीमा को लेकर निकली। कल एटीएस ने सीमा से करीब 6 घंटे की पूछताछ की थी। आपको बता दें सीमा हैदर से यूपी एटीएस ने कल 6 घंटे तक पूछताछ की थी और एक बार फिर सीमा से पूछताछ का यह सिलसिला चल रहा है। एटीएस ने कई सवाल पूछे हैं जिसमें जासूसी के एंगल से भी सीमा हैदर की जांच हो रही है। और केवल यूपी एटीएस ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की विशेष टीम भी, आईबी की विशेष टीम भी जांच में जुटी है। और ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सीमा हैदर की औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी हो सकती है, साथ ही उसके पति सचिन मीणा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल यूपी एटीएस की टीम सीमा हैदर को पूछताछ के लिए लेकर गई है, सीमा से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं और साथ ही सीमा का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हो सकता है, पॉलीग्राफी टेस्ट कराए जाने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और जी न्यूज के पास सीमा के खिलाफ एफआईआर की कॉपी मौजूद है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को यह एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें सबसे पहले बल्लभगढ़ में पकड़ी गई थी सीमा, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। नोएडा पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर सीमा के खिलाफ एफआईआर में पड़ताल शुरू की थी। ये एफआईआर 4 जुलाई को दर्ज की गई थी और बल्लभगढ़ से पकड़ी गई सीमा हैदर। और यूपी एटीएस अब सीमा से जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। और जी न्यूज के पास वो एफआईआर मौजूद है जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। 4 जुलाई को यह एफआईआर दर्ज हुई और बल्लभगढ़ से इसमें सीमा हैदर के पकड़े जाने की जानकारी है। और सीमा हैदर के खिलाफ नोएडा पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था। सीमा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसी के बाद, और इस एफआईआर के अंदर न केवल सीमा का नाम है बल्कि उसके पति सचिन का नाम भी इस एफआईआर के अंदर दर्ज है। तो दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस एफआईआर के अंदर सीमा का पता जखमाबाद सिंध प्रांत पाकिस्तान बताया गया है। और पाकिस्तान से आई सीमा से अब पूछताछ हो रही है और इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुटी हैं। आईबी की विशेष टीम भी इस मामले की पड़ताल कर रही है और साथ ही इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सीमा को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। सीमा से पूछताछ के बाद सीमा से की गिरफ्तारी हो सकती है, साथ ही उसके पति सचिन से भी पूछताछ हो रही है। लगातार सीमा से जुड़े मामले के अंदर नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सीमा का भाई पाकिस्तान की फौज में है, साथ ही पाकिस्तान की फौज में सीमा का चाचा भी सूबेदार के ओहदे पर है। सीमा मामले के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो भी जांच कर रहा है, साथ ही यूपी एटीएस सीमा से पूछताछ कर रही है। कल सीमा से करीब 6 घंटे की पूछताछ हुई थी यूपी एटीएस की और उसके बाद आज फिर सीमा से पूछताछ का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ा है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सीमा हैदर के खिलाफ में दर्ज जो एफआईआर है उसकी प्रति जी न्यूज के पास मौजूद है। 4 जुलाई को दर्ज ये एफआईआर है जिसमें बल्लभगढ़ से सीमा को पकड़ा गया था और साथ ही इस पूरे मामले के अंदर अब यूपी एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो जांच कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर किस तरीके से जांच हो रही है, हर एंगल से पड़ताल की जा रही है, इसको खंगालती हुई जी न्यूज संवाददाता राहुल मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। यूपीएटीएस एक बार फिर सीमा से पूछताछ करने के लिए लेकर के गई है। सीमा से कल तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। सीमा के साथ साथ सचिन और सचिन के पिता के साथ भी पूछताछ हुई है और तमाम पहलुओं को यहां पर जानने की यूपीएटीएस कोशिश कर रही है कि आखिर में सीमा यहां पर क्यों आई, कैसे आई, क्यों, किसने यहां पर फंडिंग की, इन सभी चीजों की यहां पर जानकारी ली जा रही है। और ये सूत्र भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा सकता है पूरी जानकारी लेने के लिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यार के जाल में कहीं जासूसी का खेल तो नहीं चल रहा था या जासूसी करने के लिए तो यहां पर सीमा नहीं पहुंची थी। इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम सवालों को लेकर के ही यूपी एटीएस की तरफ से अपनी पूछताछ यहां पर की जा रही है और आज सुबह फिर से एक बार यूपी एटीएस साथ में लेकर के गई है। हालांकि यदि कहा जाए तो दरवाजा अभी भी बंद है सीमा का। कई दिनों से जो यहाँ पे परिवार रह रहा था वो बाहर निकल करके और मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहा है और परिवार के और सदस्य भी अंदर में हैं, लेकिन आज फिर से एक बार यूपी एटीएस इन्हें लेकर के गई है और तमाम पहलुओं को कि आखिर में फंडिंग किसने की है,
किसने यहाँ पे कैसे किस रूट के जरिए, जो सीमा बता रही हैं कि वो दुबई होते हुए नेपाल, नेपाल से भारत पहुंची है, इन सभी चीज़ों को कि आखिर में किसने सहायता की, इन सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर यूपीएटीएस लेने की कोशिश कर रही है। और सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले समय में पॉलीग्राफी टेस्ट और यहाँ लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया जा सकता है। कैमरामैन कमल के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। तो सीमा हैदर मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीमा का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जा सकता है, क्योंकि यही सवाल बना हुआ है कि आखिर सीमा जो कुछ कहानी सुना रही है वो सच है या नहीं। सीमा हैदर से यूपीएटीएस पूछताछ कर रही है और साथ ही सचिन और उसके पिता से भी इस पूरे मामले के अंदर पूछताछ की जा रही है। सीमा के परिवार के तमाम तार भी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही सीमा जिस फोन का इस्तेमाल कर रही थी, उसने जिन फोन्स का इस्तेमाल किया, जिन नंबर्स के ऊपर उसने फोन कॉल किए, इसके कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। और सीमा की कहानी का सच जानने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट और उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सीमा हैदर की गुत्थी किस तरीके से उलझी हुई है, जिसे सुलझाने की कोशिश अब जांच एजेंसियां कर रही हैं। मेरे दो सहयोगी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, विशाल रघुवंशी लखनऊ से और साथ ही राहुल मिश्रा उस जगह से, उस घर से जहां सीमा हैदर रहती है। सबसे पहले मैं विशाल आपका रुख करना चाहूंगा। यूपीएटीएस दो दिन से लगातार पूछताछ कर रही है, क्या लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखा जा रहा है इसके अंदर, केंद्रीय एजेंसियों की किस तरह से मदद ली जा रही है और क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है सीमा का? देखिए, लगातार जांच एजेंसियां इस बात को लेकर कोशिश कर रही हैं कि सीमा हैदर तमाम जो जानकारियां बता रही है उसके बारे में कोई ठोस जानकारियां जो है वो दे सके। इसको लेकर यूपीएटीएस ने कल भी पूछताछ की थी सीमा हैदर से। लगातार यूपीएटीएस ने इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की कि कैसे वो जो है पहले पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से भारत आई, यहाँ तक कि उसको ये पूरा रूट किसने बताया था, इसके साथ ही साथ उसकी किन किन लोगों ने मदद की, अगर उसने पाकिस्तानी सिम तोड़ा तो उसकी वजह क्या थी। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि जो है सीमा हैदर ने कि वो सचिन से प्यार करती है, तो पूरा जो डेट कब उसने जो है ये उससे प्यार हुआ, उसके बाद कब वो यहां पर आना चाहती थी, इन सब चीजों के बारे में जानकारियां जो है यूपीएटीएस ने इकट्ठा की। इसके साथ साथ सीमा हैदर से ये भी पूछा गया कि जो जमीन तुमने बेची थी, जो ये जो तुमने दावा किया है कि उससे इसको पैसे मिले थे, उसी पैसों से ये भारत आई है, वो जमीन कहां पर थी। इसके साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है कि सीमा हैदर ने इतना बड़ा रूट ले लिया और बिना किसी मदद की ये पूरा रूट लिया, ये इसमें क्या केवल यही वजह थी या कुछ और वजह थी, इस तरह की तमाम जानकारियां जो हैं वो बिल्कुल विशाल बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब सीमा हैदर को देना है और इस सवालों के जवाब वो कैसे देती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रघुपुरा उस इलाके से जहां पर सीमा हैदर रह रही है। राहुल, सीमा कई दिनों से अब कैमरे के सामने नहीं आ रही है, यूपीएटीएस उनसे पूछताछ कर रही है, कल 6 घंटे की पूछताछ हुई, आज पूछताछ को लेकर क्या कुछ जानकारी और सीमा हैदर से क्या आपकी ऑफ कैमरा कोई बात हुई? नहीं, देखिए, क्योंकि कल सीमा हैदर से पूछताछ करने के बाद यूपीएटीएस ला करके और सीमा हैदर को छोड़ा था और सीमा हैदर ही केवल आई थी, सचिन और सचिन के पिता दोनों कल भी वहीं पर एटीएस के पास में ही थे और आज भी उनसे पूछताछ हो रही है, तीनों के तीनों वहां पर हैं। और सीमा को आज सुबह फिर यूपीएटीएस एक बार ले करके गई है, मैं उसके घर के सामने ही हूँ और आपको मैं बता दूं कि घर का दरवाजा जैसे पहले दिन से कई दिन से बंद है, तकरीबन 3 दिन से यदि कहा जाए कि ये दरवाजा बंद है और कोई दरवाजा खोल नहीं रहा है। पहले यहाँ बात करने के लिए लोग तैयार होते थे और ये मैं कोशिश भी करूंगा तो कोई बाहर नहीं निकलता है, हालांकि इसके अंदर में यदि कहा जाए तो उनके भाई हैं, उनके माँ हैं, ये तमाम लोग हैं जो सचिन के परिवार वाले हैं, वो यहाँ पर हैं लेकिन वो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यूपीएटीएस एक बार फिर से लेकर के गई है, अनडिस्क्लोज लोकेशन है, वहां पर ले जाकर के पूछताछ कर रही है। तमाम पहलू है प्रणव जी यदि कहा जाए कि इसमें कि सीधे तौर पर आखिर में सबसे बड़ी चीज है कि यदि दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से भारत आई, तो इसके लिए फंड की जरूरत होती है, फंड की कैसे, कहां से, किस तरीके से, किस सोर्स से जो है पूरे फंड को इकट्ठा यहां पर किया गया, कहा जा रहा है कि जमीन बेच करके किया गया है, या उसके साथ ही साथ कैसे ये पूरा फंड हुआ,
कौन इसमें पाकिस्तान से दुबई जाने में, दुबई से नेपाल आने में और नेपाल राहुल जिस तरह से आप बता रहे हैं तो दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है, यानी सचिन और उसके परिवार से और सीमा से दोनों से अलग अलग भी पूछताछ कर रही है यूपी एटीएस, क्या वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है, लगातार निगरानी हो रही है सीमा हैदर की? नहीं देखिए, यदि मैं जहाँ पे रविपुरा में उसके घर के सामने हूँ, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी सुरक्षाकर्मी यहाँ पे मौजूद नहीं है। हालांकि पहले लोग जरूर, यदि कहा जाए कि जो आसपास के मोहल्ले के लोग थे वो जरूर यहाँ पर इकट्ठा होते थे और वो पाकिस्तानी बहू को देखने के लिए जरूर आते थे, लेकिन अब जो है कहीं यदि कहा जाए तो जो मोहल्ले के या पड़ोसी के बगल के लोग हैं वो बात करने से भी कतरा रहे हैं या कहें तो दूरियां भी बना रहे हैं यहाँ से। और इसमें खास तौर पर यदि कहा जाए कि जिस तरीके से, क्योंकि कल एटीएस लेकर के गई, आज फिर सुबह में एटीएस जाकर के पूछताछ की है अलग अलग यहां पर, क्योंकि रात में उन लोगों को। राहुल आप बने रहे हमारे साथ में, साथ ही विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हम वो आपको बाइट सुनवाते हैं, वो बातचीत सुनवाते हैं जो जी न्यूज के कैमरे पे सीमा हैदर ने की, क्या कुछ अपनी कहानी बयां की सीमा ने, और अब इसी कहानी की पड़ताल यूपी एटीएस कर रही है कि यह कहानी कितनी सच्ची है या कितनी झूठी। पहली बात तो मेरे भाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, और रही बात जो कह रहे हैं जासूसी की, तो वो क्लियर हो जाएगा, मुझे भरोसा है यहाँ की सरकार पे, वो सच सामने ला के दिखाएंगे। मेरा मकसद मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी, अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती, अपने बेटे को ना ले आती। दूसरी बात, अगर मैं जासूस होती तो मैं खुद चल के वकील के पास ना जाती, क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिला चाहिए था, हमारे पास कुछ भी नहीं थे, तो हम उनसे हेल्प लेने गए कि कोई तरीका बताएं कि हम किस तरह कागज़ वागज़ बनवा सकते हैं, किस तरह हम यहाँ लीगल रह सकते हैं। तो उस वकील ने ही पुलिस को इन्फॉर्म करी। मैं मन से हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ, मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग करी, क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बाद हमारी होती रही है, तो मुझे शौक था ये इस भाषा को सीखने का। तो मैं पाकिस्तान में भी आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी। और रही बात लिबास की, तो मैं इनकी पत्नी हूँ तो मुझे ऐसा करना पड़ा, और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती। पहली बात तो मैं वहाँ अकेली रहती थी, अब हैदर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अगर मैं इतनी मेरे को इतनी आज़ादी होती तो मैं हैदर से शायद शादी कभी ना करती। सुबह जैसे कहा जा रहा था कि तुमने अपने पहले अपने पापा पे ये कहा कि मेरे पापा लालची हैं, आपकी मम्मी लालची हैं, तो पहली बात मेरी मम्मी जिंदा थी नहीं, उन्हें 20 साल हो गए ख़त्म हुए, 18 से 20 साल, और मेरे पापा ही हमारी माँ थे, हमारे पापा थे, उन्होंने हमारे लिए शादी नहीं करी। उनकी जवानी में मेरी मम्मी ख़त्म हो गई, तो मेरे पापा के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। साइन मुझसे लिए गए थे, मुझे नहीं पता कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, मेरी शादी लव मैरिज नहीं। मैंने पूरी कोशिश करी थी, मेरे पति इस बात के गवाह हैं, वहाँ सैयद फहाद अब्बासी वो वहाँ काम करते हैं, वो इस बात के गवाह हैं, अगर वो सच बोलेंगे तो उन्हीं के ऑफिस में गई। मेरा पहला काम यही था कि इंडिया का वीज़ा पाऊँ। मैंने बहुत ट्राई किया मैम, यहाँ का वीज़ा मिलना आसान नहीं था। तो हम दोनों संपर्क में 20 में आए थे, 2020 में, तो ये 2022 में मैंने सारे कागजात बनवाए, और 2023 से मैंने यहाँ आने की कोशिश करी। जब यहाँ का वीज़ा नहीं लगा तो मुझे नेपाल का वीज़ा लगवाना पड़ा। हम पहली बार तो ऐसे मिले थे, मुझे नहीं पता था कि इस तरह आ सकते हैं। हम पहली बार तो हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि हम मिले नहीं थे, इनका पासपोर्ट नहीं था। अगर इनका पासपोर्ट होता तो हम दुबई में मिलते, तो इनका पासपोर्ट ना होने के कारण हम नेपाल में मिले। वो मेरे पुलिस में है सर, मैम, मेरे पासपोर्ट, मेरे बच्चों के बेफाम, मेरा आईडी कार्ड, जैसा लोग कह रहे हैं कि सीमा के पास 3 आधार कार्ड थे, आईडी कार्ड थे, ऐसा झूठ है मैम। मेरे पापा के आईडी कार्ड की कॉपी है, जो हैदर है उनकी आईडी कार्ड की कॉपी है, और मेरा ओरिजिनल कार्ड है, और मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड है। लोग झूठ बोल रहे हैं कि सीमा के पास 3 कार्ड थे, मेरे पास 3 कार्ड थे, मेरे पापा का, मेरे पति जो थे उनका, और एक मेरा अपना। सब सच सामने आ जाएगा, दूध दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, मुझे यकीन है, और मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब सच सामने आए और सबको यकीन हो जाए। बाकी हैदर के इल्ज़ामों के आगे हैदर भी हार जाएगा। हैदर आज पुरसकून होकर बात कर रहा था, वो ये सोच रहा था कि पाकिस्तान ने उनका साथ दिया है तो शायद मुझे अब वापस भेज दिया जाएगा, पर मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैं इंडिया के योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे वापस ना भेजें, मेरे लिए वहाँ बहुत खतरा है। अगर खतरा ना भी होता शायद मैं तब भी ना जाती, मैं सचिन की पत्नी हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए, मैं हिंदुस्तानी हूँ,
मैं मन से हिंदुस्तानी हूँ, मुझे रहने दिया जाए। मानती हूँ मैं गलत रास्ते से आई हूँ, ये मेरी मजबूरी थी क्योंकि यहाँ का वीज़ा मुझे नहीं मिला। अगर मुझे यहाँ का वीज़ा मिलता तो मैं इस तरह अभी बात नहीं करती होती, हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे होते। मैं तो सुना आपने किस तरीके से सीमा अपनी कहानी बयां कर रही है, अपनी दलीलें दे रही है, लेकिन हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं विशाल रघुवंशी का रुख करना चाहूंगा। विशाल, सीमा अपनी कहानी बयां जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरीके से यूपी एटीएस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की है और स्टेप बाय स्टेप पहले उसको मीडिया के सामने जाने दिया गया, नजर रखी गई और उसके बाद तथ्यों की पड़ताल करने के बाद एटीएस ने यह जांच शुरू की है और अब लगातार उससे पूछताछ हो रही है, क्या कहा जाए कि इस मामले को आगे यूपी एटीएस यूपी पुलिस कहां ले जाना चाह रही है? देखिए, यूपी एटीएस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। वो ये खुलासा ये हुआ है कि सीमा हैदर ने यूपी एटीएस को तमाम जो जानकारियां साझा कर रही थी उस दौरान ये बताया कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो मरियम खान के नाम से बनाया था। चूंकि ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही थी कि गेम खेलते हुए जो है वो सीमा जो है वो सचिन के संपर्क में आई हो, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो गेम के दौरान जो है आप बातचीत इतना नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अपने आप में इसमें एक बड़ा है लूप पोल था, जिसके बाद अब सीमा ने यूपी एटीएस को यह बताया है कि मरियम खान नाम से एक आईडी जो है वो उसने फेक आईडी सोशल मीडिया अकाउंट पर बनाई थी। यूपी एटीएस ने इसको जो है ट्रैक करना शुरू कर दिया है कि यह आईडी कहां से बनी थी, इसका आईपी एड्रेस क्या था, और अब अगर यह जानकारी सीमा हैदर की सही निकलती है या जो सीमा हैदर से पूछताछ में जानकारी जो निकली है इसमें अगर कुछ जो है इंपॉर्टेंट बेस होता है तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा टिप ऑफ जो है वो यूपी एटीएस को मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक और जानकारी यूपी एटीएस से साझा की है जो है सीमा हैदर ने कि इसने अपना जो पासपोर्ट था और जो वीजा था, वीजा इसने जो है लिया था नेपाल का, क्योंकि ये इसको भारत का वीजा नहीं मिल रहा था इसलिए इसने नेपाल का वीजा लिया था। वीजा मिलने के बाद वो नेपाल आई थी दुबई से, और दुबई से अम्बेडकर नगर गई, और जहां से वो जो है हरियाणा भाग गए, जहां से उसे गिरफ्तार कर सकती। ये पूरा जो ये कह सकते हैं कि जो लिंक है ये अपने आप में अब जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, और सीमा हैदर के बारे में अब लगातार यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। और बिल्कुल विशाल, ये आप बने रहे हमारे साथ में। साथ ही राहुल मिश्रा भी उस जगह पर मौजूद हैं जो सीमा हैदर का घर है, वहां पर वो रहती हैं। राहुल, जिस तरीके से ये जानकारियां सामने आ रही हैं, अब कई लूपहोल सामने आ रहे हैं। सीमा हैदर ने भारत के वीजा के लिए अप्लाई किया, इसका भी फिलहाल कोई सबूत नहीं है। Z News.